नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे पटना में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर कई सारे रेड़ी ठेली दुकान वालों को उखाड़ा गया। जिस भी घर का निर्माण अधिकृत एरिया से ज़्यादा था उसे भी तोड़ा गया। दशहरा में इस कार्रवाई को रोका गया था, जिसके बाद अभी अब फिर से शुरू हुआ है। इसके बाद अब कंकड़ बाग में जब नगर निगम का बुलडोज़र चल रहा था तो वहाँ मौजूद लोगों से हमें यह शिकायत प्राप्त हुई कि यह बुलडोज़र अतिक्रमण के मार्किंग को देखकर नहीं चल रहा, बल्कि अमीर और गरीब को देखकर चल रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना था कि जो लोग पैसे दे दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा वक्त दे दिया जा रहा है, जो नहीं दे रहे उन पर फाइन भी किया जा रहा है और उनका जो अतिक्रमण का एरिया है उसे भी तोड़ा जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं ये स्थानीय लोग, आप खुद सुन लीजिए। लेके छोड़ दिया होगा और क्या, जैसे इन लोग का तोड़ा आगे उन लोग का नहीं तोड़ा। आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या हो रहा है? वो सब बड़े आदमी है, पैरवी वाला है, पैसा उसा दे दिए होंगे साइड से, पैरवी हो गया होगा तो छोड़ दिए होंगे। देखिए ना, गिट्टी है, बालू है, सब चीज है, घेरा किया हुआ है। भैया देखिए यहाँ पर, देखिए आपका क्या हुआ है, यह फाइन भी दिया या तोड़ भी दिया है? पूरा तोड़ भी दिया पूरा। अब यह देखिए, ये एस टी भी देखिए अथी में है, लाइन में है, जमीन में इनका अपना, फिर भी तोड़ के चला गया है। तो पूरे पटना में हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई चल रही है। उसके बाद अब कंकड़बाग से इस तरह का एक मामला सामने आया है। देखना होता है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी जो हैं वो इस पर कितना संज्ञान लेते हैं, कितना रोका जाता है, या अतिक्रमण की कार्रवाई जो हटाने की कार्रवाई है वो भी महज सरकारी अधिकारियों के जेब भरने का एक तरीका बन के रह जाती है। बहरहाल, बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।